जा रही हूँ शॉपिंग पे। ये स्टोर हमारे घर से 4 मिनट के फासले पर है, तो अभी मैंने थोड़ी सी ग्रोसरी करनी थी तो इसलिए मैं अभी जा रही हूँ स्टोर पे। आज मौसम भी अच्छा था, बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवा चल रही है। तो ये जी अभी मैं आ गई हूँ स्टोर पे, और यहाँ से लूँगी मैं आज फिश। फिश मैं कांटे के बगैर लूँगी, तो फिर घर चल के मैं फ़िश बनाऊंगी, जो मैं आपको बताऊंगी कि मैं फ़िश कैसे बनाती हूँ। और साथ उसके मैं पोटैटो ले रही हूँ, फ्राइज भी लेती हूँ, और आज सोचा कि आज साथ पोटैटो बनाते हैं। ये जी मैंने कुछ चीज़ें खरीदी हैं घर के लिए, और अभी ये मैं इसके पैसे पे करूँगी, जहाँ पे केस पे। ये जी फिश मैं ले आई हूँ, और अभी मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ कि ये कौन सी फिश मैं लाई हूँ। ये देखें, ये मैं ल्यूनवार का फिले लाई हूँ, और इस पे मैं लेमन अच्छी तरह लगाऊंगी। दोनों साइडों पे अच्छी तरह लेमन लगा के इसको 30 मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि उसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। जब लेमन अच्छी तरह उस पर लगाना, ताकि उसके अंदर अच्छी तरह जज़्ब हो जाए और स्मेल ना रहे उसमें। और साथ साथ मैं समेटती जा रही हूँ चीज़ें। 30 मिनट लेमन के बाद उसको पानी से अच्छी तरह वॉश करना, ताकि सारी वो अच्छी तरह धुल जाए और उसकी स्मेल निकल जाए। ये देखें जी, मैंने अच्छी तरह उसको वॉश कर लिया, और साथ मैं ब्रेड क्रम्ब बना रही हूँ। क्रम्ब्स मैं अक्सर घर में बनाती हूँ, क्योंकि कोई ये बड़ा मुश्किल काम नहीं होता। बने बनाए भी लेके आती हूँ, वो भी पड़े होते हैं, जब एमरजेंसी में कोई काम करना हो तो फिर वो यूज़ करती हूँ। और अभी ये मैंने 3 से 4 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, और उसको चॉपर में डाला, और ये मैंने ब्रेड क्रम्ब तैयार किए। अब एक गहरी सी प्लेट लूँगी, ताकि उसमें अच्छी तरह लगा सकूं। फिश को अच्छी तरह खुश करने के बाद इस पे सॉल्ट और ब्लैक पेपर लगा रही हूँ। सॉल्ट ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए फिश को, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सॉल्ट होता, तो कोशिश करती हूँ कि कम लगाऊँ। ये जी मैं इसके पीस काट रही हूँ, सारी फिश के अच्छी तरह मैंने पीस काट लिए हैं। और एक अंडा लेके उसको एक बाउल में अच्छी तरह बीट किया, बीट करने के बाद मैं फिश को इसमें डिप करूँगी। डिप करने के बाद इस पे मैं क्रम्स लगाऊँगी। ये देखें जी, मैं क्रम्स लगा रही हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छी तरह क्रम्स लगाने के बाद एक एक पीस को रखती जाऊंगी। ये जी ऑलमोस्ट मेरे पास ये तैयार हो गया। क्रम्स लगाने के बाद मैं इसको 20 मिनट के लिए छोड़ूंगी, ताकि इस पे क्रम्स अच्छी तरह चिपक जाएं। इससे फिर ये होता है कि वो फ्राई करते हुए इसके क्रम्स उतरेंगे नहीं। ये देखें जी, मैंने सारे ब्रेड को क्रम्स लगा लिए हैं। अभी 20 मिनट के बाद मैंने फ्राई पैन में ऑयल थोड़ा सा निकाला, और साथ में पोटैटो के लिए भी ऑयल रखा, और अभी मैं इसमें फिश के पीस डालूंगी। ये मैंने इसमें 4 पीस फिश के डाले, ज़्यादा नहीं डालें क्योंकि फिर वो पलटने में मुश्किल होता है, और ये फिश टूट जाती है फिर। और दूसरी तरफ मैं पोटैटो फ्राई के लिए डालूंगी। ये देखें जी,
ये पोटैटो में डाल रही हूँ और फिश भी साथ साथ हो रही है। फिश को जब फ्राई हो रही हो तो बार बार पलटे नहीं, एक तो उसके क्रम्स उतर जाएंगे और दूसरा वो टूट जाएगी। और साथ इसमें बेक बीन और स्वीट कॉर्न लेके आई थी। फिश के साथ बेक बीन और स्वीट कॉर्न तो मस्ट होते हैं, इनके बगैर तो जीजे कंप्लीट ही नहीं होते। ये देखें फिर स्वीट कॉर्न और साथ साथ में मैं सर्व भी करती जाती हूँ क्योंकि फिश गरम गरम ही खाई जाती है। ये जी फिश फ्राई हो रही है और इसके चूल्हे की आंच धीमी रखें क्योंकि तेज आंच से ये जल्दी गोल्डन हो जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। ये देखें जी एक साइड से ये गोल्डन ब्राउन हो गई है, देखिए कितना प्यारा कलर आया। और दूसरी साइड पे फ्राइज पोटैटो फ्राई हो रहे हैं, ये देखें जी, ऑलमोस्ट मेरे फिश के 4 पीस फ्राई हो चुके हैं। ये आपको नजर आ रहा होगा, और अभी जो बाकी थी फिश के पीस वो डाल रही हूँ फ्राई पैन में। और ये पोटैटो भी फ्राई हो गए, इनका ऑयल अच्छी तरह निकाल लें। निकाल के मैंने इनको प्लेट में डाल रही हूँ। कुछ मैं प्लेट जब फ्राई पोटैटो के नीचे मैंने कोई पेपर नहीं डाला, इसलिए कि वो अगर पेपर के ऊपर डालें तो वो सोगी हो जाते हैं। ये जी फिश मेरी फ्राई हो चुकी है, ये देखें जी अभी मैं आपको दिखाऊंगी। पोटैटो मेरे भी तैयार हो रहे हैं, ऑलमोस्ट हो गए हैं, और अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे हैं। आज की ये मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आएगी। अभी मैं प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ, ये देखें जी ये भी अच्छी तरह हो गया। अभी मैं प्लेट में निकाल लूँगी, ये अभी मैं प्लेट में निकाल लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये जी मेरी फिश तैयार हो गई है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।